हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी क्लास सिक्स के लिए है। विषय होगा हमारा मैथ, सब्जेक्ट मैथ है। ये वीडियो जो हमारा इसका पिछला वीडियो था उसका नेक्स्ट पार्ट ही है, क्योंकि उसमें हमने एक्सरसाइज कराने के लिए बोला था पर नहीं करा पाए थे। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। सब लोग अपनी बुक में, एडवांस मैथमेटिक्स की बुक में, सब लोग पेज नंबर 12, हाँ इसको आप खोल लो, ओपन कर लो, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हाँ, उससे पहले हम ज़रा कुछ चीज़ें जानते हैं। ये क्या लिखा है? ये एक नंबर है, और मैं पूछूँ कि ये नंबर कितने डिजिट का है, तो ये नंबर आप बोलोगे कि ये नंबर 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट्स का है। और मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर भी 4 डिजिट का है ना, ये नंबर भी 4 डिजिट का है। अब कोई पूछे इन नंबर को कंपेयर करके बताओ कि सबसे इनमें से बड़ा तीनों में कौन है, ये बड़ा है, ठीक है, और फिर इसका नंबर, फिर सबसे छोटा ये, ठीक है। तो नंबर्स देखो, इनमें नंबर आप डिजिट तो सब में सेम है, पर नंबर तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो हम इसमें ये देखेंगे कि 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर कौन होगा। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा ये 9999। आपसे कोई कहे कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, तो आप 39 लिख दोगे, सबसे बड़ा हो जाएगा। कोई कहे कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो, तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद जितने डिजिट बच गए उसमें 0 लगा दोगे। 3 डिजिट का लिखना था ना, तो 1 लिखने के बाद तो 1 डिजिट तो हम कर चुके, इसके बाद 2 रह गए तो 2 0 लगा दोगे। ये हो जाएगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, और ये हो जाएगा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और इनके बीच में 3 डिजिट के सारे नंबर आएंगे। जैसे कि मान लो कहीं लिखा है 293, ये भी 3 डिजिट का है, तो क्या ये इनके बीच में है, है ना। तो जितने भी 3 डिजिट के नंबर होंगे वो इस पीरियड के बीच में आएंगे, इनके बीच में आएंगे, इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है पूरा। आपको अगर सबसे बड़ा लिखना हो, ग्रेटेस्ट लिखना हो, लार्जेस्ट लिखना हो, तो क्या करोगे आप, 9 का यूज करोगे, और आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो आप 1 और 0 का यूज करके लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह भरनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली। अच्छे से आपको क्या करना है, खाली जगह को भरना है। तो पहला पार्ट आप देखो, ध्यान से देखो, अपनी बुक में आप देख सकते हो, नहीं तो आप इधर भी देख लो। तो इसमें मैंने लिख दिया है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, खाली स्थान, ठीक है, ये ब्लैंक पोर्शन है। इसमें आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो मैंने बताया था आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 और 0 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले 1, और कितने डिजिट अभी लिखना रहेगा, 4, तो 4 0 लगा देंगे ऐसे। ये हो गई ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गई 10,000, ठीक है। एंड इसमें देखो और आगे है, अभी यहीं पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे है इट इज़ 1 मोर देन, यह किससे एक ज़्यादा है, यह किससे एक ज़्यादा है, इट इज़ 1 मोर देन, यह एक किससे एक ज़्यादा है। तो आप इसमें 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 मिलेंगे, आप करके देखो। चाहे आप जब 10,000 में 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 9999, ये आ जाएगा, आप करके देख लो। तो ये पूरा हो गया सवाल, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, ये तो ठीक है लिख लिया, इट इज 1 मोर देन ये 9999, ये किससे एक ज़्यादा है, इससे, यह इससे एक ज़्यादा है ना, बस वही तो सवाल था। चलो तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमें नया मिला है ये क्या है, ये है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें क्या है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, 5 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर लिखना है हमको। तो मैंने बताया था ना, बड़े से बड़ा लिखने के लिए सिर्फ 9 का यूज करते हैं, 5 बार 9 लिख देंगे ऐसे, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, इट इज़ 1 लेस देन। अब यहाँ पे मोर देन था, यहाँ पे लेस देन आया है, इट इज़ 1 लेस देन, ये किससे एक छोटा है, ये सवाल है। तो आप इसमें 1 ऐड करोगे, तो इसमें 1 ऐड करोगे ना, तो देखो ये आ जाएगा, ये 6 डिजिट का हो जाएगा। जब हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में कुछ और ऐड कर देंगे ना, तो फिर वो 5 डिजिट का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा से बड़ा था, अब उसमें कुछ और ऐड कर दिया तो फिर वो 6 डिजिट का बन गया, और 1 ऐड किया है तो ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है ना।
ये से ग्रेट है इसमें, आप इसमें ऐड करके देखो ना, अगर ऐसे आपको ना समझ में आ रहा हो तो ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। आप इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये सब रफ में करना होता है। ये देखिए अगले पार्ट को देखिए, तीसरा पार्ट क्या है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इट बिकम्स द डॉट 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 4 डिजिट नंबर। अभी देखो आप क्या करो कि 5 डिजिट की जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप लिखो, कैसे ये हो जाएगी है ना, ये 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है और इसमें आप क्या कर रहे हो, एक घटा रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक, तो क्या आएगा 9999, ये मिला हमें। ये क्या है, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ये। तो जो ये खाली जगह है इसमें क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट, ठीक है, ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये था खाली जगह पे भरना। अब ये हाँ सेम टाइप का सवाल है, फोर्थ पार्ट है इसका, ये सेम टाइप का ऐसे ही है, आपको खुद से करना है इसको, ठीक है। हाँ फिफ्थ वाला देख लो, 5 डिजिट नंबर्स रेंजेस फ्रॉम, 5 डिजिट नंबर के जो 5 डिजिट के जो नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगे। रेंजेस का मतलब होता है उनका जो एरिया है, उनकी जो परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला यहाँ पे पूछ रहा है। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, और 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बहुत इजी है लिखना, ये देखो। अब क्या ऐसा नंबर होगा कोई 5 डिजिट का जो इनके बीच में ना हो, नहीं, 5 डिजिट का कोई भी नंबर होगा इनके बीच में ही होगा। तो 5 डिजिट नंबर्स रेंजेस फ्रॉम, रेंज का मतलब होता है जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं, इधर इस पॉइंट के इधर नहीं जा सकते, इस पॉइंट के इधर नहीं जा सकते, तो हमारी रेंज क्या मानी जाएगी, हमारी रेंज मानी जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये होगी हमारी रेंज। तो ये पूछ रहा है 5 डिजिट नंबर्स रेंजेस फ्रॉम, जो 5 अंकों के नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये लिखा है फ्रॉम 10,000 टू 99,999, ठीक है, आप इसको कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे ये 3 नंबर्स दिए हैं, इनको हमें रीड करना है, और हम कैसे रीड करेंगे, तो इनको हमें वर्ड में अपनी फेयर में लिखना पड़ेगा। तो पहला देखो क्या है, हाउ, ये क्वेश्चन हो गया हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर्स। पहला जो है देखो, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम मीन्स इंडियन सिस्टम, पहले हमको उसी नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखना है, फिर इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, फिर उसको इंटरनेशनल में कैसे बोलेंगे ये लिखेंगे। तो हमारा पहला नंबर क्या है, हमारा जो पहला नंबर है ए करके दिया है इसमें, आप भी मेरे साथ बोलो, 16, 34, 62, सही लिखा है, हाँ। तो इस नंबर को पहले हमको इंडियन सिस्टम में पढ़ना है, या इंडियन को हिंदू अरेबिक बोलते हैं, और दूसरा फिर इसको इंटरनेशनल, तो पहले इंडियन में कर लेते हैं। इंडियन में करने के लिए हम कामा पहले लगाएंगे, कामा कैसे इंडियन में लगाते हैं, कामा इधर से 3 में 3 डिजिट के बाद कामा लगता ही है दोनों सिस्टम में, लेकिन इंडियन में फिर 2-2 पे कामा लगने लगता है, तो फिर अगला कामा जो आएगा यहाँ पे 1 और 6 के बीच में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया ये नंबर, ये वाला पीरियड है ये 1 का हो जाएगा, ये वाला पीरियड 1000 का, और ये वाला 1,00,000 का। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे इंडियन में, इसको इंडियन में लिखोगे, अरे इंडियन ऐसे कर दो, वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड फिर 400 आगे क्या 62
ठीक है, समझ में आया? इसको क्या लिखोगे इंडियन में? ये देखो लाख का पोर्शन है ना, 1,63,462, ठीक है, वही लिखा है, ये इंडियन हो गया। आप इसको इंटरनेशनल में कैसे लिखोगे? अब देखो इसको इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे। इंटरनेशनल में लिखने के लिए हम पहले कामा लगाएंगे, ठीक है। कामा लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप कामा लगा लोगे तो आपको सारे पीरियड या पोर्शन अलग अलग दिखने लगेंगे। तो इसमें थ्री डिजिट के बाद, फिर थ्री डिजिट के बाद, अब यहाँ पे कोई डिजिट होता तो लगाते, नहीं है तो कोई कामा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बार कामा का यूज होगा, थ्री और फोर के बीच में कामा लग जाएगा। अब देख लो ये पोर्शन किसका है, थाउजेंड का, और ये पोर्शन वन का है। तो बस पढ़ दो इसको, ये क्या लिखा है, 163 लिखा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 163,000, क्योंकि ये थाउजेंड का पोर्शन है, 163,000, और फिर इसको सिंपल 462। ओके, अगला पार्ट देख लो। देख लो बच्चों, हम इसका बी पार्ट नहीं करेंगे, बी पार्ट आपको खुद से करना है, हम इसका सी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये देखो सेम है, ऐसे ही सवाल करनी। इसमें तीन पार्ट थे, ए बी सी, हमने पहले आपको ए करवा दिया, अब सी करवा रहे हैं। देखो तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए आप अभी सिर्फ ये नंबर देखो, इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए हम कामास पहले लगाएंगे थ्री डिजिट के बाद, फिर टू टू पर ऐसे करके लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कितने पोर्शन बन गए, 1, 2, 3, 4 पोर्शन बने। तो ये पोर्शन है वन का, ये पोर्शन हो गया थाउजेंड का, ये पोर्शन हो गया लाख का, और ये करोड़ का। तो ये 1,27,91,000, ये थाउजेंड का पोर्शन है, 91,458, ठीक है, 458, कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या बना, 1,27,91,458, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इंटरनेशनल में देख लो, इन कामास को हटाना पड़ेगा, उसमें इंटरनेशनल में कामा दूसरे टाइप के लगते हैं। अभी आपको अगर जल्दी लग रहा हो ना तो वीडियो को आप रोक करके आप ये नोट कर लेना, ठीक है। तो इंटरनेशनल में क्या होगा, कामाज ऐसे लगेंगे, तीन तीन पे लगते हैं, तो बड़ा सरल है। इसमें तीन पोर्शन बनेंगे, थ्री पोर्शन बने हैं इसमें, ये वन का, ये थाउजेंड का, और ये मिलियन का, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 12,791,000, पूरा पढ़ेंगे इसको, फिर थाउजेंड लास्ट में बोलेंगे, 791,000 और फिर 458। देखो ये लिखा है 12,791,458, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरे इसके तीनों पार्ट कर लेना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री आप अपने सर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अगर ये आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सारे बचे हुए क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है।